नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फैंटेसी क्रिकेट क्लास में। क्या आज रसल अपनी मसल पावर दिखाएगा या फिर दोस्तों यहां पर क्रिस लिन बाजी मारता हुआ नजर आ जाएगा, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपका एक एक लाइक मेरे लिए काफी इंपोर्टेंट होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में। आफ्टर टॉस अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आफ्टर टॉस सभी अपडेट मिलेगी और फ्री गिव अवे। जी हाँ दोस्तों, फ्री गिव अवे भी आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है और साथ में स्मॉल लीग और प्लस ग्रैंड लीग का बेस्ट कॉम्बिनेशन भी आपके लिए टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है, तो प्लीज आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वेन्यू के बारे में चर्चा करते। आप देखो ओंटोरियो कनाडा में मुकाबला खेले जाने वाले, यहाँ पर आप देखोगे टोटल 41 मुकाबले खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए 26 मुकाबले भी किए हैं। बात करें यहाँ पर एवरेज के बारे में तो 151 यहाँ पर एवरेज को निकल कर आता है। पेस बॉलर ने यहाँ पर 65% विकेट और स्पिनर ने 35% विकेट निकाले हैं। आप देखोगे 150 और 150 से नीचे 15 बार स्कोर देखने को मिला है, 152-169 पांच बार, 172-189 दो बार और 190 अबव यहाँ पर 8 बार स्कोर देखने को मिला है। अब आपके लिए ये तो रही दोस्तों ऑन द रिकॉर्ड बात, लेकिन मैं आपके लिए अब बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि विकेट बल्लेबाजी के लिए इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि गेंदबाजों के लिए, स्पेशली इस गेंदबाजों में भी दोस्तों पेस बॉलर के लिए, पेस बॉलर को ज्यादा बेनिफिट मिला है दोस्तों। और यहाँ पर आपके लिए बिरले ही देखने को मिला है कि 180 से 190 तक स्कोर देखने को बहुत कम बार मिला है, शायद एक आधा बार यहाँ पर देखने को मिला है। अधिक बार दोस्तों आपके लिए 150 से नीचे स्कोर देखने को मिला है। लेकिन यदि लास्ट के 2-3 मुकाबलों के बारे में चर्चा की जाए तो वहां पर आपके लिए स्पिनर का थोड़ा सा पेस बॉलर की तुलना में ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिला है, वो आपके लिए मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 104 यहाँ पर बनाए थे और मॉन्टोरियल ने 108 बनाकर यहाँ पर चीज कर ली थी। पेस बॉलर को 3 विकेट तो स्पिनर को 4 विकेट, यहाँ पर स्पिनर का डोमिनेशन रहा था। अब इसके पहले वाला मुकाबला देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 139 बने थे दोस्तों, 101 बना पाई थी वैंकूवर नाइट्स जो कि इस मुकाबले में खेल रही है, तो 12 विकेट पेस बॉलर और स्पिनर को मात्र 4 विकेट मिली थी। मतलब यहाँ पर डोमिनेट किया था पेस बॉलर ने। फिर यदि आप यहाँ पर देखोगे तो आपके लिए स्पिनर का थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेशन मिल जाएगा बजाय पेस बॉलर के, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि स्पिनर को भी अब थोड़ी बहुत मदद मिलने लगी है। तो आपके लिए अब पेस बॉलर के साथ साथ में स्पिनर पर भी ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अब हम यहाँ पर सबसे पहले माय फेवरेट के बारे में। दोस्तों यदि आप जीतना चाहते हो ना, वास्तव में आप अच्छी विनिंग करना चाहते हो, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड कर आप Raj123 कोड डाल सकते हो, जैसे ही आप कोड डालोगे हमारी तरफ से ₹100 का आपके लिए कैश बोनस दे दिया जाएगा। बहुत शानदार एप्लीकेशन है, आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा दोस्तों। लोएस्ट एंट्री फीस है, लो कंपटीशन है और 1 से 2 मिनट में आपके लिए बैंक विड्रॉ मिलने वाला है, तो आप एक बार जरूर से ट्राई करके देख सकते हो दोस्तों, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, रेफरल कोड डालना मत भूलिएगा, इतने सारी बेनिफिट आपके लिए रेफरल कोड डालने के बाद ही मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अब हम दोनों ही टीमों की संभावित 11 बैटिंग ऑर्डर और लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप यहाँ पर देखोगे मोहम्मद वसीम क्रिस लिन के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। मोहम्मद वसीम ने इतना कुछ खास नहीं किया, आप देखोगे 7 मुकाबले मात्र 96 रन का स्कोर इन्होंने किया है, तो इतना इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं है। अब बात करेंगे क्रिस लिन की, क्रिस लिन लास्ट मुकाबले में 63 फिर 0 पर आउट हो गया था, फिर 38 और दोस्तों यहाँ पर देखो एक और इनिंग्स आई है 64 की। तो क्रिस लिन इंपोर्टेंट प्लेयर है, कुल मिलाकर आप इस बात को मानकर चल सकते हो और आपके लिए कभी भी बड़ा स्कोर कर दे सकता है। तो क्रिस लिन को आप अपनी टीम में ट्राई करना, 11 मुकाबलों में 190 रन है वेन्यू पर, 26 का इनका एवरेज है। उसके बाद आप देखोगे विजय राणे, इन्होंने खास नहीं किया, सिर्फ ग्रैंड लीग की चॉइस है, आप चाहो तो इन्हें ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में ट्राई मत करना। इसके बाद आप देखोगे सरफिन रदरफोर्ड, दोस्तों सरफिन रदरफोर्ड ने शुरुआत में आकर 84 रन का स्कोर जरूर किया था, लेकिन यदि उसके बाद आप देखोगे तो लगातार इनके फेलियर आए, तो सरफिन रदरफोर्ड इतने इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों वेस्ट इंडियन प्लेयर है, वेस्ट इंडियन प्लेयर के बारे में ज्यादा कुछ प्रिडिक्शन करना दोस्तों टफ ही रहता है, हमेशा टफ रहता है, लेकिन आप इन्हें लेकर चल सकते हो। उसके बाद आप देखोगे बाजवा, तो बाजवा ने को भी कुछ खास ऐसा नहीं किया, इन्हें अवॉइड कर चल सकते हो। आरी, दोस्तों दीपेंद्र सिंह आरी, इनका देखोगे लास्ट मुकाबले में बल्लेबाजी तो आई नहीं थी, लेकिन गेंदबाजी से 1 विकेट निकाला था, लेकिन इससे पहले इन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ लास्ट मुकाबले में ही दीपेंद्र सिंह आरी ने गेंदबाजी की है, उससे पहले इन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी, तो अब आप कैसे भरोसा कर सकते हो, इसलिए इंपोर्टेंट ये भी नहीं है। उसके बाद बात करें
आंद्रे रसल। रसल आपके लिए क्या मसल पावर दिखाने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, यदि ये मसल पावर दिखाएंगे तो आप इन्हें कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी जरूर दीजिएगा। आप यहाँ पर देखोगे 0 विकेट, फिर 12 रन, 1 विकेट और 0 विकेट, मतलब 3 मुकाबले खेले हैं तो 3 मुकाबलों में मात्र 1 विकेट निकाला है और 12 रन किए हैं। दोस्तों अभी तक तो ऐसा परफॉर्मेंस करकर नहीं दिया है, लेकिन इस मुकाबले में कुछ अलग परफॉर्मेंस करकर दें, क्योंकि बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। और दोस्तों यदि इनका बल्ला चलना चालू हो गया ना फिर विकेट मायने रखेगी, ना स्पिनर पेस बॉलर मायने रखेंगे, सिर्फ इनका बल्ला ही मायने रखेगा। इसलिए बोल रहा हूं आप इनके साथ रिस्क मत लेना। उसके बाद बात करें कार्लोस ब्रैथवेट के बारे में। कार्लोस ब्रैथवेट 2 विकेट लास्ट मुकाबले में निकाले, इससे पहले विकेट नहीं मिला, फिर विकेट नहीं मिला और फिर 4 विकेट निकाले और फिर 2 विकेट 2 विकेट, मतलब कुल मिलाकर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों थोड़ा इनका बॉलिंग ऑर्डर और मैं आपके लिए दिखा देता हूं, रसल का और कार्लोस ब्रैथवेट का। रसल आपके लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे लगभग 2 ओवर, और ब्रैथवेट भी आपके लिए 2 ओवर डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों ही डेथ ओवर के गेंदबाज हैं, तो दोनों को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, और दोनों ही दोस्तों अच्छे ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी की कैपेसिटी इनकी अच्छी है और मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर इन्हें प्रमोट और किया जाना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे अयान खान 2 विकेट लास्ट मुकाबले में निकाले, इससे पहले विकेट नहीं मिली, फिर 1 विकेट 4 विकेट, मतलब कुल मिलाकर आपके लिए ठीक ठाक गेंदबाज हो जाते हैं, आपको ये स्पिन गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, स्पिन में भी लेग स्पिन। उसके बाद आप देखोगे अब्बास अफरीदी का आप देखोगे 1 विकेट 0 विकेट, फिर 1 विकेट 1 विकेट 0 और 2। दोस्तों ये पेस बॉलर हैं और आपके लिए डेथ ओवर में 1 ओवर कम से कम गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डेथ ओवर में कम से कम 1 ओवर गेंदबाजी करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कलीम साना, ये आपके लिए मेरे हिसाब से यदि आप ना लो रहा तो ही अच्छा है। इनका आप देखोगे 0 0 0 0, तो बिल्कुल आपके लिए रिस्की प्लेयर ये हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्लेयर के बारे में, कि इनकी टीम की ओर से इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन है। सबसे पहले क्रिस लिन बहुत इंपोर्टेंट है, क्रिस लिन के बाद आप देखोगे आंद्रे रसल, कार्लोस ब्रैथवेट और दोस्तों अब्बास अफरीदी को आप रख सकते हो। बमुश्किल से 4 प्लेयर निकल कर आए हैं और 5वां यदि आप मानकर चलते हो तो आप दोस्तों यहाँ पर सरफेन रद्दरफोर्ड को इंपोर्टेंट प्लेयर के रूप में लेकर चल सकते हो। तो ए इनकी टीम की ओर से इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वैंकूवर नाइट्स की तरफ से। वैंकूवर नाइट्स रियान पठान आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि फखर जमान नहीं खेल रहा। फखर जमान आकर दोस्तों शायद खेल रहे हैं अपना 100 खेल रहे हैं, 100 खेल रहे हैं, तो रियान पठान आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, सिर्फ ग्रैंड लीग की स्मॉल लीग की टीम में ट्राई नहीं करना है। उसके बाद आप देखोगे मोहम्मद रिजवान, 4 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबलों में से 1 मुकाबले में ये फेल हुए हैं। 27 रन T20 में ठीक स्कोर माना जाता है दोस्तों, तो 1 मुकाबले में आप इनका फेल्युअर देख सकते हो, 4 मुकाबलों में 151 रन है दोस्तों इनके। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, रिजवान आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कार्वन बोस, लास्ट मुकाबले में 12 रन 0 विकेट, उससे पहले 30 रन 3 विकेट, 28 रन 2 विकेट, 50 रन 1 विकेट, मतलब यदि आप देखोगे लगातार इन्होंने स्कोर किया है और विकेट भी निकाले, गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दोनों से ही उन्होंने अच्छा किया, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो और आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये हो जाते हैं। उसके बाद नजीबुल्ला जदरान दोस्तों अफगानी प्लेयर है, अफगानी प्लेयर आमतौर पर अच्छा खेलते हैं, ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि विकेट यहाँ पर ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को नहीं मिले और जो रेगुलर स्कोर करते थे ना प्लेयर वो भी स्कोर नहीं कर पा रहे। रेगुलर स्कोर करने वाले दोस्तों राशि बेंडर डसन थे, यहाँ पर आप देखोगे 1 मुकाबले में उन्होंने 51 रन की स्कोर किया, उसके बाद फिर दोस्तों 31 भी बनाए, लेकिन उसके बाद लगातार इनकी फेल्यूअर आए। जी हाँ दोस्तों, लगातार फेल्यूअर आए, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आप इनके साथ रिस्क नहीं ले सकते। आप देखोगे इनका वैंकूवर 12 मुकाबलों में 299 रन है और 37 का इनका एवरेज है। उसके बाद हर्ष ठाकरे आपके लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले हैं 1 ओवर, उसके बाद दोस्तों ये शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं। पहले इन्हें टॉप ऑर्डर में भी प्रमोट किया गया, तब इन्होंने 75 रन की इनिंग्स खेल कर दी थी, लेकिन उसके बाद टॉप ऑर्डर में इन्हें प्रमोट नहीं किया गया। आप देखोगे लास्ट मुकाबले में 4 रन विकेट नहीं मिला, फिर 23 रन 4 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 0, फिर 75 रन 1 विकेट। अब इन्हें आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप दोस्तों इन्हें अवॉइड भी कर चल सकते हो। यदि आप बात करें फेबियन एलन के बारे में, लास्ट मुकाबला खेले दोस्तों कुछ नहीं कर पाए थे, इनके पहले वाला मुकाबला लास्ट मुकाबले का मैं टाइप नहीं कर पाया दोस्तों, यहाँ पर 2 विकेट इनके थे इससे पहले वाले मुकाबले में, लास्ट मुकाबले में 27 रन थे, इससे पहले 2 विकेट थे, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। आप देखोगे फेबियन एलन का तो दोस्तों आप यहाँ पर पाओगे, सबसे पहले मैं आपके लिए बता दें लास्ट मुकाबले में 27 रन 0 विकेट, फिर इससे पहले 2 मुकाबले नहीं खेले, फिर इससे पहले इन्होंने 2 विकेट निकाले थे, 5 मुकाबलों में कुल 52 रन है और दोस्तों 2 इनके विकेट हैं। तो आपके लिए फेबियन एलन बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि ये गेंदबाजी अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी में अपनी हिटिंग एबिलिटी के लिए
जाने जाते हैं। ऑब्वियस बात है दोस्तों, जो बेस्ट इंडियन प्लेयर है वो अपनी हिटिंग एबिलिटी के लिए तो जाना ही जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर सिंह के बारे में, रविंद्र सिंह के बारे में तो कुछ खास नहीं किया, लास्ट मुकाबला इन्हें खिलाया गया था, ट्राई नहीं करना। ट्रंप मैन, इनका आप देखोगे तो 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 4 विकेट मतलब लगातार विकेट निकाले हैं पिछले कुछ 4-5 मुकाबलों में, लगातार विकेट निकाले हैं और अच्छे गुच्छों के रूप में इन्होंने विकेट निकाले हैं, तो इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। ग्रैंड लीग में यदि आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना चाहते हो ना, तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। 7 मुकाबलों में 11 विकेट इनके हैं। उसके बाद आप देखोगे जुनैद सिद्दीकी, ये ट्रंप मैन के साथ डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। 1 ओवर शुरुआत में करेंगे और 2 ओवर लगभग मिडिल ओवर्स में, और 1 ओवर जुनैद सिद्दीकी डेथ ओवर में करने वाले हैं, जबकि ट्रंप मैन आपके लिए 2 ओवर डेथ ओवर में करने वाले हैं। जुनैद सिद्दीकी का आप देखोगे लास्ट के यदि 4 मुकाबले देखोगे ना, तो लगातार विकेट निकाले, इससे पहले के 3 मुकाबलों में इन्होंने विकेट नहीं निकाले। लास्ट के 4 मुकाबलों में उन्होंने 11 विकेट निकाले हैं, आप देख सकते हो टोटल 7 मुकाबलों में 11 विकेट हैं इनके, तो आपके लिए जुनैद सिद्दीकी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। मैयप्पन आपके लिए स्पिन गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और 2 विकेट इन्होंने लास्ट मुकाबले में निकाले। वेन्यू पर 4 मुकाबलों में इनके 3 विकेट हैं। तो दोस्तों अब इनकी ओर से हम बात करते हैं इंपोर्टेंट प्लेयर के बारे में। इंपोर्टेंट प्लेयर में आप देखोगे मोहम्मद रिजवान, कार्विन बोस्ट के बाद आरविन दसन के बाद फेविन एलिन है दोस्तों, इन्हें भी मैं इंपोर्टेंट में रखूंगा। ट्रंप मैन और जुनैद सिद्दीकी, तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 प्लेयर लगभग इनकी तरफ से इंपोर्टेंट है और 4 लगभग उनकी तरफ से इंपोर्टेंट है, तो कुल 10 प्लेयर हुआ दोस्तों जो आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। 11वां प्लेयर हमें देखना है। तो चलिए बात करते हैं हमारी टीम के बारे में, चर्चा करें। उससे पहले दोस्तों कोई चेंजेस होगा तो अपडेट में टेलीग्राम पर आपके लिए कर ही दूंगा। अब बात करें दोस्तों रिस्की कैप्शन और सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन के बारे में, तो पहले आपके लिए सेफ का ऑप्शन में दिखा देता हूं। आप देखोगे यहाँ पर आंद्रे रसल सेफ ऑप्शन में, मोहम्मद रिजवान और कार्विन बोस्ट, इनको मैंने सेफ ऑप्शन में रखा है। मेरे हिसाब से ये सेफ आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। उसके बाद यदि आप रिस्की ऑप्शन में देखोगे तो दोस्तों दसन है, क्रिसलिन और दोस्तों कार्लोस ब्रैथवेट, ये मेरे रिस्की ऑप्शन है दोस्तों। आपको क्या लगता है आप मुझे वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं टीम के बारे में, चर्चा करें तो आप देखोगे यहाँ पर रिजवान है विकेट कीपिंग सेक्शन में, क्रिसलिन और दसन दोनों ही दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखते हैं, मैंने उन्हें ट्राई किया है। उसके बाद आप देखोगे अयान खान को मैंने ट्राई किया है, हर्ष ठाकरे हैं, आंद्रे रसल, कार्विन बोस, फेविन एलन और दोस्तों कार्लोस ब्रैथवेट। दोस्तों यदि आप हर्ष ठाकरे की जगह किसी बॉलर को ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। बात करें बॉलिंग सेक्शन में तो ट्रंप मैन है और दोस्तों जुनैद सिद्दीकी, ये मैंने अभी कॉम्बिनेशन रेडी किया है। याद रखिएगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन मैंने आपके लिए बता दिए हैं और जो भी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन आएंगे ना, वो आपके लिए मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।